ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नि दायिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपान्तं शारदं प्रणमाम्यहम्। परतत्ते सदालीन रामकृष्ण समागया इव धर्म स्थापन रतः वीरे संतं नमाम्यहम्। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं तो आप सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। हमारा जो यहाँ का आश्रम का सेक्रेटरी हैं वो हमारा सुहृद है। सुहृद मीन एक हृदय को सुहृद कहते हैं, एक आत्मा को सुहृद कहते हैं। हम दोनों में सन्यास ब्रह्मचर्य में तो थोड़ा डिफरेंस है ही, लेकिन भाव में हम लोग कोई अलग नहीं है। तो महाराज के साथ बहुत दिन से ही हमारा परिचय भाव आदान प्रदान ये चलता रहा है। आज उनके निर्देश से स्वामी विवेकानंद के बारे में, उनका जीवन तथा वाणी के ऊपर चर्चा करने के लिए मुझे जो सौभाग्य दिया है उससे मैं महाराज से आभारी हूँ। आप सब जानते हैं कि जब मनुष्य कामना वासना से, कामना वासना के आग में झुलसते हैं, जब काम कंचन आसक्ति के जाल में फंस जाते हैं, जब ईश्वर कोई वस्तु है इसका विश्वास खो बैठते हैं, इसी समय कोई महापुरुष आते हैं। महापुरुष स्वपार्षद लेके ही आते हैं। तो इसी प्रकार जब राष्ट्र कोई बनाता है, राष्ट्र का जो नेतृत्व देता है उसको हम लोग नेता कहते हैं, और उस नेता लोग को जब प्रेरणा कोई इसने देता है उसको महानायक कहते हैं। तो आज इस स्वामी विवेकानंद जो थे हमारा एक महानायक, जिनको हम लोग देखते हैं कि हम शिव अवतार कहते हैं। एक बार नाग महाशय जो कि श्री रामकृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे, तो आए हैं स्वामी विवेकानंद का दर्शन करने के लिए बेलूर मठ में। जाते समय आँख में आंसू पोंछते पोंछते जा रहे हैं तो किसी ने पूछा, आपका आँख में आंसू क्यों है? ना, मैं आज साक्षात शिव का दर्शन करके जा रहा हूँ। जय शंकर कहते जा रहे थे। ऐसा श्री रामकृष्ण देव स्वामी विवेकानंद को सप्तर्षि मंडल से लाए थे। वो कहते हैं कि ये नररूपी नारायण है। श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के बारे में रोमरोला कहते हैं कि आई हैव चोजन टू मैन, दे हैव ओन माई रिगार्ड्स बिकॉज दे हैव रियलाइज दे हैव एक्सपीरियंस द स्प्लेंडेड सिम्फनी ऑफ यूनिवर्सल सोल एंड दे आर स्वामी रामकृष्ण एंड विवेकानंद। कहते हैं कि हे पाश्चात्यवासी, तुम लोग का गला सूख रहे हैं, गला भिगाने के लिए मैं एक अमृत का भांड लाया हूँ, वो है रामकृष्ण विवेकानंद। रामकृष्ण के बारे में कहते हैं कि 2000 साल पकड़ के 33 करोड़ मानव का साधना का फसल है श्री रामकृष्ण देव। रोमारोला एक फ्रेंच फिलोसोफर थे।
नोबेल प्राइज विनर थे, जो कि रामकृष्ण को पढ़ेंगे बोल के रामकृष्ण विवेकानंद का पढ़ने के लिए अंग्रेजी सीखा था। 1920 में उनको नोबेल प्राइज जब दिया गया है, तब रामकृष्ण विवेकानंद के प्रति इतना आकृष्ट हो गए कि बोलते हैं कि दुनिया में मेरे को दो आदमी हमारा श्रद्धा जाय किया है, वो है रामकृष्ण विवेकानंद। तो ऐसा बहुत महिषी गण हम देखते हैं। जब स्वामी विवेकानंद पाश्चात्य में थे, उसी समय उनको कोई ईसुदूत जीसु ख्रिस्ट भी बोलते थे। बहुत सारे का तो उनके ऊपर ये है कि एक किताब निकला है मनीषी गण का दृष्टि में स्वामी विवेकानंद, तो किताब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रामकृष्ण विवेकानंद के ऊपर मनीषी इतना हमारा विश्व में मनीषी है क्या बोलते गए हैं। आज उनके बारे में बोलने से ये तो बहुत ही छोटा सा लगेगा, क्योंकि नहीं हमारा उनको बोलना छोटा करना हो जाता है, फिर भी कुछ बोलना बोलते हैं हम लोग, नहीं तो संसार कैसे जानेंगे। स्वामी विवेकानंद का जीवन को हम लोग तीन भाग से भाग कर सकते हैं। पहले 20 साल हम देखते हैं कि अपना बचपन खेल कूद पढ़ाई में बिताया, फिर नेक्स्ट 10 इयर्स उन्होंने गुरु के चरण में बैठ के शिक्षा लाभ किया, फिर 9 साल 39 साल उनका जीवन आय था, तो फिर 9 साल जो है उनके आचार्य देव रामकृष्ण के वाणी भारत का संस्कृति भारत का ऐतिह्य को प्रचार करने के लिए सारा विश्व गए हैं। जब पाश्चात्य जा करके वापस आए 1897 में, उन्होंने देखा कि संघ बिना कोई बड़ा काम संभव नहीं है, तो उन्होंने ये रामकृष्ण संघ स्थापना किया। उसका मोटो रखा आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च, सेल्वेशन फॉर ओन सेल्फ एंड डू गुड टू द वर्ल्ड, सेल्फ अपलिफ्टमेंट एंड सोशल सेल्फ एनलाइटनमेंट एंड सोशल अपलिफ्टमेंट। तो श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद जो रामकृष्ण मिशन राम गुरु के नाम पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण संघ नाम रखा, उन्होंने कहते हैं कि मेरा सपना है कि ये हमारा मानव जाति है, हम लोग पशु से आए हैं, पशुत्व से मनुष्यत्व, मनुष्यत्व से दिव्यत्व को ले जाना ही मेरा सपना है, क्योंकि नहीं हमारा जो वेदांत है जो हमारा संस्कृति है वो है सेवा, और जो भारत का ये पुण्य भूमि का आध्यात्मिकता है वो है त्याग, त्याग और सेवा का मिश्रण करके इस संघ को बनाया। त्याग सेवा जो देखते हैं कि त्याग बिना सेवा नहीं होता है, और सेवा करते करते हमारा त्याग होता है, ये एक परस्पर परिपूरक है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य के अंदर भगवान है वही देखना ही है, मनुष्य रूपी भगवान है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। कहते हैं कि माई आइडल कैन बी पुट इन टू ए फ्यू वर्ड्स एंड दैट इज टू बी प्रीच्ड ऑन टू मैनकाइंड। वट इज दैट? द ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। स्वामी रंगनाथ नंद महाराज एक्सप्लेन करते हैं, डिविनिटी इज इन मी, इन यू, इन ऑल, वी आर ऑल डिवाइन स्पार्क। स्वामी विवेकानंद टॉट अस वी हैव टू मैनिफेस्ट इट। प्रत्येक मनुष्य के अंदर हमारा दिव्यत्व भाव है, उस दिव्यत्व भाव को विकसित करना प्रकाशित करना वही हमारा जीवन का धर्म है, जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि नहीं कहते हैं कि हमारा जो दिव्यत्व भाव है हमें पता क्यों नहीं चलता है,
हम सब कोई भगवान है, हमारा स्वरूप भगवान है, तो हमें क्यों पता नहीं चलता है। हमारा नारायण उपनिषद में देखते हैं कि अंतर बहिश्चत सर्वंग व्याप्य नारायण स्थित, अंदर बाहर सब जगह पर ही भगवान है, हमें पता क्यों नहीं चलता है। हम आए हैं बहुत सारे जन्म के बाद, ये मनुष्य जन्म लेके आए हैं। महाराज जी विवेक चूड़ामणि पाठ करते हैं, उसमें एक श्लोक आता है कि दुर्लभं त्रयमय वैकं मनुष्यत्यं ममुष्यत्यं महापुरुष संश्रय। दुर्लभ तीन वस्तु है, एक है मनुष्यत्य, दूसरा है ममुष्यत्य, तीसरा है महापुरुष संश्रय। मनुष्य जीवन बहुत सारे जन्म के बाद हमारा ये मनुष्य जन्म मिला है, और मुक्ति पाने का जो इच्छा है वो हमें आगे ले जाना है। तो मनुष्यत्यं ममुष्यत्यं महापुरुष संश्रय, ये तीन वस्तु को हमें लाभ करना है। इसमें हमें क्या होगा, क्योंकि नहीं बोलते हैं तरुलता जीवंती जीवंती मृगपक्षिणः बट सा जीवती जस मानने च। तरुलता भी वास करते हैं, मृग पक्षी भी वास करते हैं, लेकिन जो मनन कर सकता है, विचार कर सकता है, वही मनुष्य है। मनुष्यनां श्रेष्ठतरं न किंचित, इस दुनिया में मनुष्य से और कोई श्रेष्ठ जीव है नहीं। क्योंकि नहीं मनुष्य को अंदर अच्छा बुरा, रियल अनरियल, गुड इविल, ये सब विचार करने का क्षमता है, तो इसलिए मनुष्य है श्रेष्ठ जीव। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो अभी हम लोग कर रहे हैं कि मनुष्य श्रेष्ठ जीव है, मनुष्य भगवान है, मनुष्य देवता है, तो हम जान नहीं पाते क्यों इतना वायलेंस करप्शन ये सारे दुनिया घुमा है। क्योंकि नहीं हमारा जो रियल नेचर है वो दिव्यत्व भाव इज कवर बाई इग्नोरेंस, हमारा अज्ञान से ढका हुआ है। अज्ञान क्या बोलते हैं कि षडरिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, काम लस्ट क्रोध एंगर, लोभ ग्रीड, मोह डिलिशन, मद प्राइड मात्सर्य वायलेंस, ये षडरिपु जो है हमारा अपना स्वरूप को ढक के रखा है, जिस कारण अपना जो स्वरूप जो भगवान है दिव्यता है हम उसको जान नहीं पाते हैं। तो उसको देखने के लिए हमें क्या चाहे, बोलते हैं कैसे गीता कहते हैं कि जथा जथा ना गीता कहते हैं कि लेनो आवृतम जथा ना बोलते हैं कि भूमिने प्रियते बन्नी जथा आदर्श मनने च, यथा उल्लेन आवृतम गर्भम तेन इदम आवृतम, यथा उल्लेनम आवृतम यथा धूमेने ब्रियते बन्नी, धुआं से जैसा आग ढका रहता है, धुमने प्रियते बन्नी जथा आदर्श मलने च, आदर्श मीन शीशा, शीशा जब गंदा में ढक जाता है, उल्लेन आवृतम गर्भम, गर्भ जो उल्लेन से ढक जाता है, तेन इदम आवृतम, हमारा स्वरूप ऐसे ही ढका हुआ है, उसको हमें उस ढक्कन को खोलना है। कैसे करना है, स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज कहते हैं कि हमारा मन को पवित्र निर्मल बनाया बिना हम अपना स्वरूप को जान नहीं सकेंगे। स्वामी जी भी उदाहरण देते हैं कि जब शीशा गंदा रहता है अपना स्वरूप अच्छे से नहीं दिखाई देता है, इसी प्रकार हमारा मन में जो गंदा लगा है उसको साफ बिना अपना स्वरूप नहीं दिखाई देता है। मन ही द्विविधा प्रक्तम शुद्धम अशुद्धम इव च, काम संकल्पम अशुद्धम काम विवर्जितम शुद्धम, व्हेन आवर माइंड इज कम्प्लीटली एंग्रस्ड विद द सेंसरी सिस्टम दैट इज द इम्प्योर माइंड, व्हेन आवर माइंड इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल सेंसरी लेवल दैट इज कॉल्ड प्योर माइंड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइंड, वन इज प्योर माइंड एंड अदर इज इम्प्योर माइंड। तो प्योर माइंड क्या बोलते हैं महाराज जी के, व्हेन आवर माइंड इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल सेंसरी सिस्टम, इसको कहते हैं प्योर माइंड। व्हेन माइंड इज कम्प्लीटली एंग्रस्ड विद द सेंसरी सिस्टम दैट इज कॉल्ड इम्प्योर माइंड। मन ही बंध मोक्ष कारणात,
मन ही बंधन मुक्ति का कारण होता है, कि मन को हमें किस तरीका से आगे ले जाए, शुद्ध करे। तय न प्रजया न धने न त्याग नैक अमृत मनसासु। त्याग से अमृत मिलता है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि त्याग, त्यागेश्वर का हम लोग कहते हैं उनको, त्याग किस चीज़ का त्याग, बोलते हैं कि साधु लोग दो त्याग करेगा, बाहर का अंदर का, और भक्त लोग एक त्याग करेगा, वो है अंदर का त्याग, सार्थ त्याग। नॉन अटैचमेंट टूअर्ड्स सेंस ऑब्जेक्ट इज लिबरेशन, लव फॉर सेंस ऑब्जेक्ट इज बॉन्डेज। मन ही बंध मोक्ष कारणात्। जब हम नॉन अटैचमेंट लाएंगे, माँ शारदा देवी भी कहते हैं कि निर्वसना, निर्वसना ही मुक्ति का कारण। अष्टावक्र में देखते हैं कि अष्टावक्र जो था फिजिकल चैलेंजेस, एक यंग गुरु जनक को बोल रहे हैं कि जो नॉन अटैचमेंट द रिनाउंसिएशन ऑफ डिजायर इज रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, रिनाउंसिएशन ऑफ डिजायर इज रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तनयः मूलं ऋणत्, तृष्णा का मूल उत्पाटन करो। तनयः जायते रोगं, तनयः जायते शोकं, तनयः जायते भयं। तनयः ही हमारा भय का सृष्टि करता है। सर्वं वस्तुं भयान्वितम्, इस दुनिया में जितना भी वस्तु है सब भय का कारण होके है। देन देयर इज नो अभयम, यस व्हाट इज दैट, वैराग्यम एकम। वैराग्य से ही हमारा, त्याग से ही हमारा ये वैराग्य, त्याग से ही हमारा साहस आता है। तो त्याग से मन का बल जन्म होता है। आज हम देखते हैं कि हम सबके जैसे कि कोई भ्रम में है। अभी जिसका पेट में भूख है वो भी दुखी है, जिसका पेट में भ्रम नहीं है, भूख नहीं है, वो भी दुखी है। ते दुखम दुखम सर्वम दुखम, ये संसार जो है दुख की कांटा है। तो एक इसमें से सभी दुख लेके चला गया, हमारा आनंद कुछ है ही नहीं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि हम सच्चिदानंद सागर का सच्चिदानंद स्वरूप है हमारा। खुद एक्सप्लेन करते हैं कि सच्चिदानंद सागर से शिव जी ने एक गोंडू स्पान करके इतना भों हो गए कि इतना जॉय कि नाच रहे हैं। नटराजन का पिक्चर आप लोग देखें कि इतना फुल ऑफ जॉय, माय मार्ट ऑफ जॉय। शिवदंडम जो लोग देखे हैं कि जॉय इतना बोलते हैं कि एक गोंडू स्पान किया था और एक गोंडू स्पान करके इतना भों हो गए कि वो नाचने लगे जॉय से। और सुखदेव वो सच्चिदानंद सागर का थोड़ा सा हवा ले मिला था, वो आत्माराम में विभोर हो गया। तो श्री रामकृष्ण ही कह सकते हैं कि हमारा ये आत्माराम क्या क्या ये है, क्या ये सच्चिदानंद सागर क्या है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं सुनन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः, ये विश्ववासी गण सुनो, यू आर द चाइल्ड ऑफ इमोर्टल, यू आर द चाइल्ड ऑफ डिवाइन ब्लिस, यू आर नॉट मियर क्रिएचर, यू आर द चाइल्ड ऑफ इन्फिनिट। हे भारत विश्ववासीगण सुनो, तुम लोग अमृत का संतान है। तो अमृत का संतान है, हमारा आनंद का सागर है, हम लोग सब कहते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये वेदों से सब कुछ आया है, जितना ये चार वेद देखते हैं, ऋग साम यजु अथर्व, इसके बाद सौर वेदांग कहते हैं, ये निरुक्त छंद व्याकरण ज्योतिष और कल्प और एक विद्या है सौर वेदांग कहते हैं उसको। ये सारे कुछ जितना हम देखते हैं आज, फिजिक्स साइंस केमिस्ट्री फिलोसफी ज्योग्राफी ऑल जितना विद्या है ये सब वेद से आया है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये फ्यू पेजेस आर ओपन, मोस्ट ऑफ द पेजेस आर अनफोल्ड। ये कोई थोड़ा सा कोई पृष्ठ हम खोल के रखे हैं, बाकी सारे जो पृष्ठ है सारे अब तक बंद है। तो ये कोई पृष्ठ खोलने से हम लोग का इतना ज्ञान, इतना ये इतना जितना देखा जाए कि इतना साइंस में कितना बड़े हैं कितना, क्योंकि नहीं कोई फिजिकल साइंस लेता है तो उसमें देखा जाए कि कितना वास्ट इसका फील्ड है, कि एक जीवन में हमारा जीवन कितना है, अल्प आयु है। तो ये अल्प आयु में हम ये क्या सीख सकते हैं,
कुछ नहीं सीख सकते हैं। थोड़ा देखा जाए तो थोड़ा मैथमेटिक्स में कोई बोलते हैं कि हमने आज ग्रेजुएट किया है, हमने मास्टर किया है, हमने पीएचडी किया है, उसका ऊपर और भी जितना जाएगा तो उतना दिख खुलते जाता है। एक सब्जेक्ट पर भी हम लोग कंसेंट्रेट करेंगे तो देखा जाएगा उसका कितना वास्ट फील्ड है। तो ये सब ज्ञान होते हुए बोलते स्वामी जी बोलते हैं तो कि ये सब कौन कह सकते हैं। रामकृष्ण कहते हैं कि सच्चिदानंद सागर का एक बुंद स्पान करके भो हो गए, हवा खा के उसने आत्मारम में विवर हो गए। स्वामी जी क्यों श्री रामकृष्ण है सूत्र और स्वामी विवेकानंद है भाष्य, वो भाष्य देते हैं कि वेदों का कोई पृष्ठ खुल के हमने इतना ये है तो और जितना ये है तो उसके अंदर उसका ज्ञान खुद का हो गया था, तो इसलिए तो कह सकते हैं। क्योंकि नहीं ये जो विश्व ब्रह्मांड का जो सच्चिदानंद सागर खुद ही रामकृष्ण है, जो हम लोग कहते हैं गुरु ही है सच्चिदानंद सागर, तो वही है। इनके अंदर सच्चिदानंद सागर का ज्ञान कितना बड़ा बन रहा है। तो ये आज हम जितना कह रहे हैं कि हमें पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि नहीं हम सारे ब्रह्म में है। अभी हम सबको कहते हैं कि भाई जब ये प्लास्टिक वर्जित करो, लेकिन प्लास्टिक का फैक्ट्री हम बंद नहीं करते हैं, जितना पैसों को बेचो रेवेन्यू चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं कि प्लास्टिक इसको रास्ता में कोई फेंकना नहीं है, कोई जिसने लेता है उसको जाकर जुर्माना लगा देते हैं। बोलता है दारू पी के जब गाड़ी चलाता है उसको अरेस्ट करते हैं, उसको ये काट देते हैं, क्या बोले चालान काट देते हैं, लेकिन हम दारू का रास्ता में सारे बार खोल देते हैं, सारे ये करते हैं, तो दारू तो ये एक भ्रम है कि नहीं। हम बोलते हैं कि हम साथ में रहें कि देखा जाए तो कितने बड़े बड़े आदमी जो है जेल में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इन्हें भ्रम के कारण उनको क्या नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ रहते हुए भी वो जेल में जाने चाहते हैं, जेल में जाते बड़े बड़े आदमी इसके पास काफ़ी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो ये है, ये सब क्यों जेल में जा रहे, क्योंकि नहीं हमने ये सारा दुनिया जो चल रही है भ्रम के कारण ही हम लोग सारे ये माया में घूम रहे हैं। तो ये माया का बाहर जाना है, तो बाहर जाने के लिए हमारा किसी को, जब हम अपने को ठीक नहीं कर पाते हैं तो हमें किसी का हेल्प लेना पड़ता है। किसी का यदि कोई बीमारी हमारा छूटता नहीं है तो हमें दवाई खाना पड़ता है, दवाई खाने से जाके वो बीमारी छूटता है। तो इसी प्रकार हमारा अंदर बहुत सारे बीमारी लगाए हैं, तो बीमारी छुटाने के लिए हमें दवाई चाहिए। और दवाई का दवाई जो है कि एक ऐसा कोई दवाई कि ये क्रोसिन खा लिया, कि एंटीबायोटिक ले लिया, एंटासिड ले लिया है, एंटीहिस्टामिन ले लिया, ये सब में नहीं चलता है, ये सब तो हमारा फिजिकल लिए करता है। लेकिन हमारा जो अंतर जगत है, देर इज स्वामी रंगनाथन जी का देर इज प्रोफाउंड डायमेंशन, जब हम अंतर जगत में जाएंगे, डूब 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 रूप सागरे अमर मन, ताल ताल पाताल खुजले पावीरे प्रेम रत्न धन, जो रत्न डूबा है ये इनर वर्ल्ड में, उसको ढूंढने के लिए हमें अंतर्मुखी होना है। हे जीव बहिर्मुखी लेके हम आज तक देख रहे हैं, हमारा क्या ये है कि सारे दुख में ही भरा हुआ है। हमारे जो सच्चिदानंद सागर है हम उसको भूल गए हैं, हम उसको जानते नहीं है कि उसको कैसे ये करेंगे। क्योंकि नहीं हमारा जब जन्म हुआ है ये दुर्लभ जीवन, मनुष्य जीवन, श्रेष्ठ जीवन, इस जीवन का हमारा सर्व हम भूल गए हैं। आहार निद्रा मैथुन भयंचर, से आहार निद्रा मैथुन, वो भी पशु पक्षी भी आहार करते हैं, खाना पीना खाते हैं, झगड़ा करते हैं, वो लोग भी एंजॉय करते हैं और ह्यूमन बींग भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो उसमें हट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल, बिकॉज मनुष्य का अंदर विचार करने का क्षमता है, तो वो विचार हम कामने नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये माया का खेल इतना बड़ा तगड़ा है कि उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। परांची खानी बित्रीनाथ स्वयंभू, परांची खानी बित्रीनाथ स्वयंभू, तस्मात पराग पश्चंती न अंतरात्मा। ये जो बाहर के इतना रंगीन लाइट सजा हुआ है उस तरफ मन हमारा जल्दी चला जाता है, न अंतरात्मा, जो हमारा अंतरात्मा को देते थे क्वश्चित धीरा पत्तक आत्मनी एक सोहो। लेकिन कोई कोई धीर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। वीकनेस क्या है? न अटैचमेंट टू द डिजायर, दैट इज द वीकनेस। तो ये जो है हमें ये सारी वस्तु के प्रति जो हमारा अटैचमेंट रह जाता है वही है हम लोग वीक। वीक मैन किसने, सबको अंदर डर रहता है, हम सबको वीक है, स्ट्रांग क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं हमने एक सत जीवन बिताने के लिए जी हमारा शक्ति है, हमारा अंदर जो भगवान है, हमारा अंतर जगत में जो भगवान बैठे हैं उसको देखने कहते हैं। तो इसके लिए रास्ता स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि त्याग तो हमारा है आध्यात्मिकता, त्याग बिना हमारा अपने जीवन में लक्ष्य पहुंच नहीं सकते हैं। तो और उसके रास्ता क्या बोलते हैं कि सेवा। एक दिन श्री रामकृष्ण देव वैष्णव धर्म के बारे में आलोचना करते करते कहते हैं कि वैष्णव लोग तीन वस्तु को बहुत मानते हैं,
एक है वैष्णव पूजन, दूसरा है नाम में रुचि, तीसरा है जीव में दया। जब जीव में दया में आए तो थोड़ा समाधि में गए, कुछ क्षण के बाद आपस आके कहते हैं, दुर्शाला तुम कीटानुकीट तुम कौन होते हो कि जीव को दया करोगे? नहीं, जीव है शिव, जीव इव शिव, शिव इव जीव, सबको उसको सेवा करना है। तो शिव ज्ञान से हमें जीव को सेवा करना है, तो इसलिए स्वामी विवेकानंद उपस्थित थे। बोलते हैं, आज मुझे एक नया दिशा मिला, प्रभु कभी मुझे मौका दे तो इस दिशा को हम सारी दुनिया को देख दिखा के जाएंगे। बहु रूपे सम्य के तुम छड़ी कथा खोजी छो ईश्वर, जीवे प्रेम करे जय जन सही जन से भी। ये हमारा सामने ये सारे ईश्वर लोग बैठे हैं, उसको छोड़ के हम कहाँ जा रहे हैं? यदि हम किसी के अंदर रामकृष्ण देखे, किसी के अंदर माँ शारदा देवी देखे, तो हमारा अंदर कोई ग्लानि आएगा, कोई खराब भाव आएगा? नहीं आ सकता है। तो ये हमारा जो संस्कृति है, इतना आवर कल्चर इज सो रिच कि हमने इसको जब इसे देखा जाए, अपने अभ्यास किया जाए, तो इसमें हम देखेंगे कि कितना हमारा जीवन एक मधुमय बन जाता है। सारे मधु बोलते हैं कि सारे मधु, जब मधु ये में देखा जाए तो हम इसको क्यों नहीं करते हैं? हम जानते हैं कि हमको थोड़ा सा टेस्ट मिलने से भी हम डर से नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि नहीं, हमारा संस्कार इतना है कि ये करता है। तो ये हमें विचार कर करके बिटवीन रियल एंड अनरियल ये उठना पड़ेगा। तो क्या हम संसार त्याग कर दें? हम त्याग करना श्री रामकृष्ण कहते हैं नहीं, संसार में रहेंगे लेकिन सांसारिकता को अंदर आने नहीं देंगे। सांसारिकता क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो है, ये सांसारिकता है। ये जब तक अंदर में रहेगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो अभी प्रश्न आएगा कि काम बिना, क्रोध बिना हम ये संसार में कैसे रहे? लेकिन थोड़ा विचार करके देखें कि थोड़ी सी जो क्रोधी व्यक्ति होते हैं उसका क्रोध का क्या फ़ायदा है? तो उसमें लोकसान छोड़ के तो और कुछ है ही नहीं, क्योंकि नहीं, क्रोध करके ही हमने अपना जीवन का जो ये है, अपना शांत भाव है, मधुर भाव है, सत भाव है, ये क्रोध से हमारा चला था। इफ़ यू थिंक लिटिल डीपली, देयर इज नो यूज ऑफ दिस एंगरनेस। सो यू हैव टू कंट्रोल ए लिटिल बाय डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन रियल एंड अनरियल, देन यू विल एन्जॉय द व्हाट इज कॉल योर लाइफ। संसार में रहेंगे, सांसारिकता को आने नहीं देंगे। श्री रामकृष्ण उदाहरण देते हैं कि नौका पानी पर रहता है, लेकिन उस नौका के अंदर पानी घुस जाने से वो नौका चल नहीं सकते हैं। इसी प्रकार हम संसार में तो रहेंगे लेकिन सांसारिकता को अंदर आने नहीं देंगे। सांसारिकता के सब जब दूर हो जाएगा, सांसारिकता तो एक दिन में नहीं जाएगा, क्योंकि नहीं, हमारा संस्कार है, हम संसार में है, कोई दूसरा ये बोल दिया है, ये कर दिया है, इसमें हमने बहुत सारे ये हो जाते हैं। लेकिन हमने नहीं, यदि कोई कुछ बोले कि भगवान बोल रहे हैं, ये भगवान का प्रसाद का स्वरूप हमें आ रहा है, तो इसी भाव को हम यदि बदल दे, अपना दृष्टिकोण को यदि बदल दे, इसके अंदर माँ बैठे हैं, इसके अंदर रामकृष्ण बैठे हैं, ये दृष्टिकोण यदि हम बदल दे, तो हमारा जीवन यही है त्याग। तो ये हमारा त्याग करने के लिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वन का वेदांत तो लेके हम घर घर में पहुँचा देंगे, यही मेरा सपना है। वन का वेदांत तो क्या था? पहले हम लोग साल साल पकड़ के तपस्या करते थे भगवान को रियलाइज करने के लिए कि यू एंड आई आर से वन, वी आर सेम। तो वही वेदांत तो श्री राम के स्वामी विवेकानंद अपना जीवन में प्रैक्टिस करते हैं। कहते ये इसमें हम लोग देखते हैं कि जब अल्मोड़ा में गए थे काकड़ी घाट के नीचे, काकड़ी घाट में एक बड़ा पीपल ट्री के नीचे ही रियलाइज एंड एक्सपीरियंस बिटवीन व्हाट इज कॉल माइक्रोजिम एंड मैक्रोजिम। And he said, today I have greatest moment. Under this people tree, I solved the greatest problem of my life. What is that? Now there is no difference between macrogym and microgym. Macrogym, microgym is one. I have seen the whole universe is in an atom. There is no difference between macrogym and microgym. Macrogym and microgym is the same planet. To him, he said that to the world is in the grain of sand. The heaven is in wild flower. The eternity is in the palm of hand. The infinity is in an hour. कहते अनरो अनियन महत महियन धर्मस तत्यम निहित गुहायाम अनरो अनियम दैट मैटर इज सो स्मॉल
सो स्मॉल मीन यू कैन नॉट सी इन द नेकेड आईज ऑनर ओनियन इन एटोम। अभी तो बहुत सारी चीज़ हम लोग को निकाल दिए, एटोन, प्रोटोन, टाइकॉन, बहुत सारी चीज़ निकाल दे रहे हैं, तो निकल के हम देखते नहीं है क्योंकि कितना ये है हमारा। आप यदि देखा जाए ये विश्व कितना बड़ा है, हमारा पृथ्वी को बोलते हैं तीन भाग पानी है और एक भाग स्थल है। स्थल तो हम लोग स्केल बैठे के कम से कम मेजरमेंट कर लिए हैं, लेकिन पानी जो बोलते हैं थोड़ा सा हम लोग अंदाज किए हैं कि पानी कितना हो सकता है, कि अभी तक पूरा हम कंप्लीट नहीं करते हैं। और ये पृथ्वी से कोई गुणा सूर्योदय जो है ना बहुत बड़ा बड़ा है। तो ये है पृथ्वी, ये है ये और यूनिवर्स जिसको कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में ऐसा कितना सूर्योदय है, कितना नक्षत्र है, कितना तारा है, कितना चंद्र है, कितना पृथ्वी है, हमें अभी पता नहीं है। तो ज्ञान में हम देखें, कंपेयर करके देखें तो हम लोग कितना छोटे से छोटे, हम लोग का जो ज्ञान इतना छोटा है कि उसके कोई समझ में नहीं आता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि हम वन का वेदांत ला के घर घर में पहुँचाएंगे, घर में उसके रियलाइज किया है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन माइक्रोजम एंड मैक्रोजम। तो क्योंकि नहीं, ये जो है दुनिया का इसमें क्या देखा था, ही इज परवेडिंग एवरीथिंग, ईशावास्य मिदंग सर्वम जत किंचित जगत तंग जगत तेने तख्त न गृध्या माँ कस्यचित धनम। तो ये जो है ये सब सारे भगवान से ही आवृत तो है सब कुछ। क्या हम यदि भाव इसको देखा जाए, इस भाव को यदि हम लेखें, सारा दुनिया भगवान से ही आवृत तो है, उसको ये कहते हैं सेल्फ। तो इसलिए कहते हैं स्वामी जी कहते हैं कि हमें वो वेदांतों को क्या है ना, तुम और मैं जो एक हूँ उसको हम सबको पहचानने के लिए, सबके अंदर भगवान छुपे हैं, उस भगवान को यू हैव टू मैनिफेस्ट। और वो किसके लिए संभव है न क्वश्चित ही रहा, जो लोग बहुत पावरफुल है, पुरुषकार है, वही लोग ही ये सोचेंगे दुनिया भ्रम में है। इसका भ्रम का पार में हमें जाना है, हम आज सच्चिदानंद सागर का संतान है। तो इसलिए कहते हैं कि लाइफ इज शॉर्ट, टाइम इज ट्रांसेंड, बट दे आर ओनली रेस्ट आर मोर, द नेक्स्ट सेंटेंस इज मोर मार्वेलस, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। हम सब कोई मर के ये हुए हैं, क्योंकि इनके स्वामी जी कहते हैं कौन जीते हैं ना, जो दूसरों के लिए जो जीते हैं वही है जीवन। हमारा भागवत में स्वामी रंगनाथन महाराज यूज्ड टू कोट करते थे, अथमंग सर्वेशु भूतेषु भूतात्मनम कृतालयम अर्हेत दानमानाभ्यम मैत्रियात अभिन्न चक्षुषु। स्वामी रंगनाथन जी महाराज जो सेवा का भाव का जब व्याख्या करते हैं कैसा है हमें सेवा करना है, कहते हैं कि रामकृष्ण मिशन का सेवा एक अलग है। हम सेवा करते हैं द सेंस ऑफ ड्यूटी, मेरे को माता पिता बड़ा किया है, मेरा कुछ ड्यूटी होता है कि हम उसको सेवा करें। सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, आपने मेरे को कुछ 10 रुपया दिया है कि 20 रुपया, 50 रुपया फ्रेंड है, ये है सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। और सेंस ऑफ कंपैशन, घर में कोई आए हैं कुछ मांग रहे हैं उसको 10 रुपया दे रहे हैं, सेंस ऑफ कंपैशन। बट श्री रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद का बना हुआ सेवा भाव बोलते शिव ज्ञान से जीव सेवा करना है, शिव ज्ञान से कि सर्विस टू द मैन इज वर्शिप ऑफ गॉड। यू कैन गो टू द टेम्पल डू वर्शिप, क्लोज आइज डू मेडिटेशन फाइन, व्हेन यू कम आउट यू शो दियर एक्स इन एक्शन, सो दैट व्हाट एवर यू हैव गेन्ड इन द टेम्पल यू शोड इन योर एक्शन। मेडिटेशन एंड एक्शन, मेडिटेशन इज स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक्शन इज प्रोडक्टिव ग्रोथ। तो मेरी व्हाट एवर वी आर मेडिटेटिंग इन द टेम्पल, हमने जाके वही हमने अपना अपना एक्शन में दिखाना है। नहीं तो मैं मंदिर में गया, 7 तरह घूमा, मेडिटेशन किया, जप ध्यान किया और घर में आके झगड़ा लगा दिया, दिस इज नॉट द स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ इज कम्प्लीटली व्हाट एवर यू आर सेइंग समथिंग योग उच्चते सेम कंटिन्यूअस, इट इज डजंट कम इन ए वन डे और टू डे बिजनेस, सो इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस। बोलते हैं कि चंचल मन को जो है चंचल है उसको कंट्रोल करना संभव नहीं है, हवा को जैसा पकड़ना दुष्कर्म है, इसी प्रकार चंचल ही मना कृष्ण प्रमथानी बलवत दृढ़ तस्सहंग निग्रह मने वायुर्वत दुष्कर्म। हवा को पकड़ना जैसा दुष्कर होता है ऐसा चंचल मन को एकाग्र करना इतना दुष्कर है। इन दियर इज नो वे, यस व्हाट इज दैट, अभ्यास ने तो कौनते हो वैराग्य ने तो कृज्यते, प्रैक्टिस बाय लॉन्ग प्रैक्टिस। ये एक दिन का मामला नहीं है, लेकिन हम आज शुरू करें तो सही, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, प्लस माइनस, ऐसा करते करते जब हम नीचे आएंगे तो देखें ऊपर जाएंगे कि हमारा प्लस का ज़्यादा हो गया है, तब जाके हमारा मन जो है ना वो एक अलग रूप ले लेता है, एक शांत भाव आता है, एक मधुर भाव आता है। हम सबके अंदर भगवान देख के एकदम चमक जाते हैं, अपना जीवन लाइफ विल बी ब्लेस्ड।
एकदम देखा जाए, इसको प्रैक्टिस करके देखा जाए, क्योंकि ये कोई हम लोग तो कुछ ये नहीं, ऋषि का वाक्य है, कोई झूठ नहीं हो सकता है। इट इज़ अ साइंस, इट इज़ अ प्योर साइंस। महाराज कहता है यू कैन एक्सपेरिमेंट, यू कैन फाइंड आउट, इफ यू बिकम एंग्री देन व्हाट इट बेनिफिट्स, एंड यू आर बिकम व्हेन काम एंड क्वाइट हाउ यू गेट लाइफ। काम क्वाइट माइंड, जितना अच्छे काम कर सकेंगे उसका ऊपर कोई नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं हमारा जो जीवन का जो ये है कि हमारा जीवन, हम सबको ही चाहते हैं कि आनंद है। हम लोग जाते हैं, कोई जन्मदिन मनाते हैं, कोई पर उत्सव है, कोई पर ये है, ये सेंस प्लेजर जो है ये तो टाइम भी, थिंग्स आर स्वीट बट थिंग्स आर थिंग्स आर स्वीट टू टेस्ट प्रोड्यूस इनडाइजेशन एंड सवाल। हमने इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है कि हमारा जो कि ये पार्टी में जाते हैं, ये में जाते हैं, आज ये होता है तो कल मान कैसा हो जाता है, हम खुद करके देखे हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें उलझ जाते हैं। क्यों उलझ जाते हैं? कि नहीं, हमारा भ्रम के कारण। वो तो इतना तगड़ा माया है कि जो बोला है कि वो इतना खींच लेता है कि गीता में कहते हैं कि अथो केनो प्रयुक्त अयंग पापंग चरति पुरुष हो, अथो केनो प्रयुक्त अयंग पापंग चरति पुरुष हो, अनिच्छा सत्य भी बलादपि नियोजितो। हमारा इच्छा नहीं है आज पार्टी में जाने के लिए, सवेरे हमने डिसीजन ले लिया आज दारू नहीं पियेंगे, लेकिन बलाद भी नहीं जीते, कौन ले जाते हैं? क्योंकि नहीं, आई एम बिकम द सर्वेंट। महाराज जी कहते हैं कि न्यूरो साइंस एग्जाम्पल दे कर कहते हैं कि आवर बुद्धि इज द नेक्स्ट टू द सोल, बट बुद्धि आवर हायर ब्रेन सपोज टू कंट्रोल द माइंड, माइंड सपोज टू कंट्रोल द सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स कंट्रोल सपोज टू कंट्रोल द बॉडी, बट नाउ व्हाट हैपेंड, इट इज बिकम अपोजिट। सेंस ऑर्गन्स आर कंट्रोलिंग द माइंड, माइंड इज कंट्रोलिंग बुद्धि, बुद्धि बिकम इज सर्वेंट। तो हमारा हायर बुद्धि कहाँ चला गया? आज इतना भ्रम में हम लोग फंसे हैं, कहाँ जाले जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? क्योंकि जो हमें एक घोर में चल रहे हैं, भ्रम का घोर, ये सारा दुनिया एक भ्रम का घोर में। आज बोलिए किसान आंदोलन, बोलिए COVID-19 बोलिए, जितना कितना अच्छे अच्छे चीज़ हमें शिक्षा देता है, हम कहाँ शिक्षा लेते हैं? COVID-19 सिखा दिया कैसा जीवन शैली हो बनना है, कैसा हमारा प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग करना है, थोड़ा थोड़ा तो हमें देता है। हमारा अभी देखते हैं कि वहाँ पर उत्तराखंड में एकदम बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, कितना लाइफ चला गया, क्योंकि नहीं हमने इतना बड़ा बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट करके वो जो पहाड़ को तोड़ रहे हैं, हमने हाइड, क्योंकि नहीं हमें अर्थ चाहिए। अर्थ किस लिए चाहिए? क्योंकि नहीं हमें ये रेवेन्यू बढ़ाना है, देश को जगाना है, ये करना है। लेकिन देखा जाए तो ब्लास्ट का जो इसका कारण के पीछे कौन है, देखा जाए कि हम खुद ही हैं, इसका जिम्मेदारी हम खुद ही है। यू आर योर ओन फ्रेंड, यू आर योर ओन एनिमी, इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम योर ओन एनिमी और इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम योर ओन फ्रेंड। हमारे ये जीवन को इसमें जैसे देखने का अभी चर्चा करने का समय आया है। जो लोग थोड़ा ज्ञान होते हैं तो वे ज्ञान को हमने आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। महाराज जी कहते हैं कि जब कोई रास्ते में चलते हैं, कोई लड़की हाथ किसी ने पकड़ा है, बोलता है हाथ छोड़ो, नहीं हाथ छोड़ो नहीं बोलना है, छोड़ो हाथ, तब तो जाके इसमें जोर आएगा। हमारा जब आर्मी लोग को शिक्षा देते हैं तब क्या शिक्षा देते हैं कि झंडा उड़ा के आएंगे, नहीं तो झंडा ओढ़ के आएंगे। स्वामी विवेकानंद का है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। किसी को पीछे नहीं देखो, टेक अप वन थॉट एंड थिंक ओवर इट अगेन एंड अगेन, लिव ऑन इट, ड्रीम ऑन इट, एंड इट शुड एंटर इनटू योर ब्लड, इनटू योर वेन, एवरी वेयर इट शुड बी द वन सिटी, तब तो हम जाके जीवन में साफल्य ला सकते हैं। ऐसा करेंगे साफल्य, जीवन का साफल्य कि एकदम सिंगुलर स्टिलनेस, और माइंड शुड बी सिंगुलर स्टिलनेस, देन आवर अचीवमेंट इज इन आवर हैंड। तो हमने देखेंगे कि कैसा ही करना है, एक भाव लेना है। महाराज जी सोए हैं बेंगलोर आश्रम में, बिस्तर पर सोए कोई यंग लड़का लोग आए हैं, यंग लोग आके बोलते हैं महाराज हाउ टू रियलाइज गॉड, बिकॉज यंग पीपल का बहुत सारे का प्रश्न होता है, भगवान लव ऐसा मजा करे चाहे जो करे, मैं भी पास में खड़ा हूँ। तो महाराज थोड़ा सा बिकम ए ग्रेव, लिटिल साइलेंट, एंड ही सेड ओ रियलाइजेशन ऑफ गॉड इज इन योर हैंड नाउ एंड हियर, देयर बिकम लिटिल चमक गई। महाराज क्या बोल रहा है, नाउ हियर एंड इन योर हैंड, ये कैसे संभव है? तब महाराज बोलते हैं इफ यू सी द एवरी वुमेन इज द फॉर्म ऑफ डिवाइन मदर, द रियलाइजेशन इज इन योर हैंड नाउ एंड इन योर हैंड हियर। तो ये है, हमें के भाव बदल देना है। ये सब चलते रहेगा, ये भगवान क्या तो उसका प्लान है हमें समझ में नहीं आता है। तो हमें क्या करना है, न कि भगवान के चरण में हमें समर्पण करना है। कहते हैं कि आयुर नश्यति पश्यतं प्रतिदिनम्, हमारा जो आयु है
बहुत छोटा समय, अनंत का काल के तुलना में हम लोग कितना दिन जीते हैं, 10 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल। आयुर नश्यति पश्यतांग प्रतिदिनम, हमारा आयु जब खत्म हो रहे हैं, हम हर रोज देख रहे हैं, पश्यतांग प्रतिदिन। जाति खयंग जौवनम, मेरा जौवन चला गया, हम देखते देखते उसी दिन ही आया था, हाफ पैंट पहन के फुटबॉल खेल रहा था, तो आज ये देखा जाता है कि हमारा जौवन चला जा रहा है। पत्यंत गता पुनर्दिवस, जिस दिन चला जाता है उस दिन और वापस नहीं आता। काल जगत भक्षक, काल जो है ये सब कुछ को हमको हरण करके ले आता है। हम इतना जन्म के बाद, इतना कर सुकर्म फल के बाद, ये हमारा ह्यूमन बर्थ हुआ है, इतना करने के बाद ये हम क्या कहाँ चले जा रहे हैं, हम समझ नहीं, विचार नहीं कर पाते हैं। जैसे पशु जैसे जीवन बीता के हम चला गया, अभी देखा जाए कि हमारा संसार दुखी 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 है। थोड़ा टाइमिंग लिया है तो थोड़ा प्लेजर मिलता है, उसको कहते हैं कि हैप्पीनेस कह देते हैं, लेकिन नहीं, इट इज़ नॉट हैप्पीनेस, इट इज़ नॉट जॉय, इट इज़ प्लेजर, इट इज़ टाइमिंग, इट इज़ टेम्पररी, इट कम्स एंड गोज, इट इज डजंट स्टे फॉर लॉन्ग टाइम, इट ब्रिंग्स द सॉरो बिहाइंड दिस। तो ये हमारा देखते हैं, आज एक प्रॉब्लम आया है तो हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, दूसरा प्रॉब्लम हमारा पीछे खड़ा है, एकदम तैयार होके है, लेकिन हम ये प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं सोचेंगे। जब सोचेंगे कि हम तो आनंद का स्वरूप है, मेरे एवरी ईच एंड मोमेंट आई शुड स्पेंड द चिल इन जॉय, द ब्लिस ऑफ जॉय, तो हमने उसको आनंद को हम खो बैठते हैं, तो उसको हमें कैसा लाना है। ये करते हैं कि इसके बाद कहते हैं कि ये लक्ष्मी स्तरयो चपला भृंगा, ये लक्ष्मी, ये जगत, विश्व, प्रपत्ति, नाम, जस, लक्ष्मी स्तरयो चपला भृंगा, ये अभी आता है, चपला कहते हैं, मीन बहुत शीघ्र, लक्ष्मी स्तरयो चपला भृंगा, विद्युत अनंग जीवितम, ये जीवन कैसा है, विद्युत का झलक जैसा, अभी आया अभी चला गया झट से, कोई अभी रास्ते में हम सारे दिन देखते हैं कब किसने कहाँ कब चला जा रहा है, कुछ का पता नहीं। जब उत्तराखंड में अभी जस्ट रिसेंट आपको बता रहा हूँ कि जब वो टनल, जब पानी वहाँ पर ग्लेशियर, मेन ग्लेशियर तो नहीं ब्लास्ट हुआ, वो बर्फ़ जमते जमते, ठंडा में बर्फ जमते जमते एक छोटा सा ग्लेशियर बन गया था, और छोटा ग्लेशियर के ऊपर वो पहाड़ जाके टूट के पड़ा, उसको लैंडस्लाइड कहते हैं हम, क्योंकि नीचे पीछे ब्लास्ट ये हुआ था, तो लैंडस्लाइड हुआ ग्लेशियर के ऊपर, वो पहाड़ गिरा तो वो टूट गया। वो टूटने से क्या होता है, जो अंदर पानी होता है वो बह गया, पानी जब बह रहे हैं इतना साउंड धाँ करके आ रहे हैं, तो गांव वाला चिल्ला रहे हैं, जहाँ पर ये टनल लोग में काम कर रहे थे, 200-300 आदमी काम कर रहे थे, वो लोग हल्ला कर रहे हैं, भागो भागो भागो, लेकिन इसको सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि नहीं वो इतना गर्जन करते करते आ रहे हैं, जो गाँव वाला का जो हल्ला है वो सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसमें से ढो गया, विद्युत अनंग जीवतम जीवितम, जीवन क्या है ना, विद्युत का झलक, कहाँ चला गया। अभी तो ढूंढ के बोलते हैं कि 25 आदमी को कम से कम बचाया, बाकी जो 200 से ज़्यादा आदमी है वो मिट्टी का नीचे, क्योंकि नहीं इतना पहाड़ टूट के आया है, जो कि पहाड़ का मिट्टी में दाब गया, कितना ढूंढेगा, कितना खुदाई करेगा, कहाँ बॉडी मिलेगा, 2 दिन कोशिश करके 2 बॉडी मिला। तो अभी ये बोलते हैं, अभी उधर हल्ला चल रहा है, गड़बड़ी चल रहा है, तो क्या है, ये हमारा जीवन खनभंगुर है, पद्मपत्र में जैसा पानी झलझल झलझल करता है, ऐसा जीवन हमारा है। तो हमने आए हैं, ये अभी हम लोग शुरू किए थे विवेक चूड़ामणि का श्लोक में, कि हमने बोल रहे हैं कि हमारा दुर्लभंग त्रयमयुगम, मनुष्यत्व, मनुष्य जीवन जो है दुर्लभ है, मनुष्य जीवन जो दुर्लभ है, ये दुर्लभ जीवन को हम ऐसे ही खो दिया है। हमारा तो भगवान का जैसे इतना ये खेल के खाइए कोई दिन का समय दिया है, जितना भी दिन देगा इतना दिन दुखी भोगना पड़ेगा भाई, इससे तो पहले हम यहाँ जल्दी चले जाए, तो ये तो बात अलग बात की है। तो ये हमारा मनुष्य जीवन जो है ये चला जाता है, तो इसलिए कहते हैं कि हमारा जीवन, एक मनुष्य का जीवन सार्थक होता है जब वो दूसरे के लिए जीता है, स्वामी जी कहते हैं। तो उसमें क्या है, स्वामी जी एग्जाम्पल देते हैं, जूट पेन में लड़ाई चल रहा है, फिलिप सिडनी का जंग में गोली लगा है, रक्तस्खलन हो रहा है, पानी पानी बल के चिल्ला रहे हैं, कमांडर है, बहुत तकलीफ से 1 गिलास पानी लाया गया, फिलिप सिडनी को जब पानी दे रहे हैं, और दूसरा 100 सोल्जर जो सोए हैं वो भी बोल रहे हैं पानी पानी, तो फिलिप सिडनी कहते हैं दाई नीड इज ग्रेटर देन माइन, उनका जिंदगी, उनका मेरे से भी उनके ज़्यादा ज़रूरत है। वो पानी दूसरे के पास पहुंचता है, वो फिलिप सिडनी मरने के पहले कहते हैं वट एवर आई गेन इन माई लाइफ बाई डूइंग द वर्क, बट टूडे 1 ग्लास इज मच फार सुपीरियर देन दिस लाइफ, 1 ग्लास पानी देखो जब मर जाते हैं, कहते हैं कि दाई नीड इज ग्रेटर देन माइन। इसलिए स्वामी जी कहते हैं दे अलोन लिव फुली फॉर अदर्स, एतत् जन्म साफल्यम देही नाम देही सु प्राण रही अर्थ रही देहा वाचा एवं चरित सदा, एक मनुष्य का जीवन सार्थक होता है जब वो दूसरों के लिए जीता है। दूसरों को देने से क्या है, अपने खाने से जो आनंद मिलता है, दूसरा को खिलाने से और उससे भी ज़्यादा काफ़ी आनंद मिलता है। आज दूसरा को स्वामी जी कहते हैं शोषण का मूल उत्सव है
अपना लग्जरी लाइफ। शोषण का मूल कारण है अपना क्या, लग्जरी को हिंदी में क्या कहते हैं, विलासिता। विलासिता का कारण हमारा टंकी में 5 साड़ी है, 5 कपड़ा है बोल के दूसरा को तन भरने के लिए कपड़ा नहीं है, ये हम विचार नहीं करते हैं। तो क्योंकि नहीं, हमारा आज बहुत सारे ये है कि दूसरा को जो क्या जरूरत है ये हम कभी नहीं सकते। अपने खाने से जो आनंद मिलता है, दूसरा को खिलाने से दूसरा आनंद। रामकृष्ण एग्जाम्पल देते हैं, पिताजी बाजार से 2 आम ले आया, 2 लड़का है, दोनों को 2 दे दिया। एक लड़का ने जाके वो आम लेके खा के अपना मुंह पोंछ के हंसते हंसते बाहर आ गया। दूसरा लड़का जो है वो आम लेके जाके सबके साथ भागा करके खा के वो बोलता है आई गॉट द रियल जॉय। तो दूसरे के लिए जीना वही सबसे ये है, और दूसरे के लिए के जीते जीते हमारे अंदर जो भगवान है तो हम पता चले थे। तो श्री रामकृष्ण है लिविंग देवता, हमारा हृदय में बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, हम सब भ्रम में घूम रहे हैं, लेकिन उनके शरणागति में आए। विद्युतनांग जीवितंग तस्मात शरणागतंग रक्ष रक्ष धुना, मुझे रख करो। तो श्री रामकृष्ण की जो लोग लिए हैं, यदि हृदय में बैठे देखने में तो ऐसा सुंदर लगे, कोई मेडिटेशन करके देखा ओहो निमग्न तथा रूप सिंधु पश्चामी, ओहो हमने यदि निमग्न होके तुम्हारा रूप सिंधु को यदि दर्शन करे, अब न आदि न मध्यमा न अंतमा च, कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई मध्यमा नहीं है, अभाव का निष्पन्न करे। सब जगह पर हम अवाक हो गए हैं, हमारा अवाक बाक सुन्न हो गया है, निष्पन्न करे, हमारा सारे दम बंद होने वाला है। अहो निमग्न स्थता रूप सिंधु पश्चामि, न आदि न मध्यमा न अंतमा च, अवाक निष्पन्न करे। किं करोमि कुत्र गच्छामि किं गिन्नोमि किं त्यजोमि, हम क्या करेंगे, आत्मनांग पुरितंग सर्वम, ये सर्व आत्मा सब जगह पर, रामकृष्ण सब जगह पर है। ऐसा हम सोचा जाए जीवन में, अपना जीवन को यदि एक आनंद ये भ्रम से यदि बाहर निकलने के रास्ता ये है कि उसको देखा जाए, अपने हृदय में रामकृष्ण को लेके बैठे। रामकृष्ण को बोला है कि मेडिटेशन करके हम देख रहे हैं, उसको हमने वी हैव टू प्रैक्टिस इन अवर डे टू डे लाइफ, वी हैव टू शो इन अवर एक्शन डे करके हम यदि दिखाए तो हमारा जीवन विल बी बिकम फुलफिल। वी वॉन्ट रंगनाथ कहते आर यू फुलफिल्ड, क्या फुलफिल्ड, आध्यात्मिकता में भरा दीजिए। हमारा आध्यात्मिकता है त्याग, त्याग सार्थ त्याग चाहिए, और डिटैचमेंट टू द सेंस ऑब्जेक्ट्स, ये है हमारा त्याग। और जो स्वामी विवेकानंद जो मोटो रख के गए हैं कि आत्मना मोक्षार्थम जगत हिताय च, त्याग बिना सेवा नहीं होगा, क्योंकि नहीं हम त्याग नहीं कर पाएंगे तो असली सेवा नहीं कर पाएंगे। अभी 3 किस्म का सेवा बोला, हम आपको कुछ दिया उसका विनिमय में कुछ आप थैंक्स नहीं बोला तो हम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि नहीं अपना ईगो इतना स्ट्रांग है जो उस किसी को ये नहीं करता है, तो इसका फायदा कुछ नहीं होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि डान हाथ में दोगे तो बायां हाथ को पता नहीं चलेगा, तो हम जब देंगे तो उसमें हमारा एक अलग आनंद मिल जाता है, और वो आनंद का हमारा संतान है। तो श्री रामकृष्ण को हृदय बैठाने से नित्य उत्सव भवे तेसम नित्य श्री नित्य मंगलम जैसम हृदयस्ते हरि, नित्य ये हर रोज हम उत्सव मना सकते हैं, एक दिन का उत्सव से नहीं, एक दिन का नहीं, नित्य उत्सव भवे तेसम नित्य श्री नित्य मंगलम जैसम हृदयस्ते हरि। जिनका हृदय में हरि वास करते हैं उनको सब जगह पर ही, उन्होंने हम सबको वही हरि को सबके अंदर देखे तो अपना रास्ता जो है, अपना रास्ता देखने से अंधेरा है, अमावस्या का रात है, श्री रामकृष्ण बोलते हैं काठुरिया आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, रूपा सोना जहर मणि मुक्ता ये मिलते रहेगा, मार्चन मार्चन गो अहेड गो अहेड डोंट सी बैकवर्ड। सब विवेकानंद ही जवर जनरल सी इट हाउ ही इंस्पायर्ड अस बाय हिज टीचिंग्स, टीच योर सेल्फ टीच एवरी वन ही इज आवर रियल नेचर, कॉल अपन द स्लीपिंग सोल एंड सी हाउ इट वेक्स, द ग्लोरी विल कम द गुडनेस विल कम वट एवर एक्सीलेंट दैट विल कम व्हेन द स्लीपिंग सोल राउज टू हर सेल्फ कॉन्शियस एक्टिविटीज। दिस इज द स्वामी जी टीचिंग, हम सीखे स्वामी जी का एक मंत्र बी एंड मेक, निजे बनो दूसरा को दिखाओ, अभी नहीं बनेंगे तो दूसरा फॉलो नहीं करेगा। तो एक यार में जब हम कहते हैं कि
एक जाएगा एक के साथ हम 10 ले आएंगे। तो ऐसा करके स्वामी जी का भाव इंस्पायर करते जाइए तो हम एक दिन अपना जीवन भी धन्य होगा, दूसरे का जीवन भी सफल मिलेगा। सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी को क्या बोले, मेरा प्रणाम कहता हूँ, कह के अपना वाणी का विराम देता हूँ। पुनः धन्यवाद।